हेलो गाइस, तो आज हम बात करने वाले हैं फॉलिंग हेड परमीबिलिटी टेस्ट की। ये एक वेरी कॉमनली यूज़ होने वाला टेस्ट है आज के टाइम में जो टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन में, और ये हमें बताता है कि सॉइल कितनी परमीबल है, कितना वाटर एब्जॉर्ब कर सकती है बिलो दी ग्राउंड। अभी आपने जैसे देखा, सबसे पहले हमें एक बोर करना होता है इसमें, और बोर करने के बाद पूरा प्रॉपरली वॉश करने के बाद नीचे से इसमें हमें पानी भरना होता है केसिंग के टॉप तक। फिर उसके बाद एज़ पर आईएस कोड हमें वाटरफॉल का डाउनफॉल चेक करना होता है कुछ इंटरवल पे, जैसे कि एक ज़ीरो पे, 30 सेकंड पे, 60 सेकंड पे, 2 मिनट पे, 5 मिनट पे, 10 मिनट पे, 15 मिनट पे, 30 मिनट पे, और लास्ट में 60 मिनट पे। इन टाइम इंटरवल पर हमें वाटर में कितना डाउनफॉल हो रहा है वो चेक करना होता है, और जो हमारा बोर लॉग होता है उसमें हमें नोट डाउन करना होता है। एक चीज़ और, परमीबिलिटी टेस्ट करने से पहले हमें ये इंश्योर कर लेना चाहिए कि जिस डेप्थ पर हम टेस्ट करना चाहते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल हमें 10 मीटर का परमीबिलिटी टेस्ट परफॉर्म करना है, तो हमारा बोर सिर्फ 10 मीटर का नहीं होना चाहिए, 10 मीटर से 75 सेंटीमीटर नीचे एक फ्री टेस्ट सेक्शन भी होना चाहिए जहां पर हमारी परमीबिलिटी परफॉर्म करी जाएगी। और जो हमारी परमीबिलिटी हम परफॉर्म कर रहे हैं इसमें हमें साफ पानी यूज़ करना चाहिए, गंदा पानी यहीं यूज़ करना। फॉलिंग हेड परमीबिलिटी मेथड जनरली हम फाइन ग्रेन सॉइल के लिए यूज़ करते हैं, जैसे कि सिल्ट हो, क्ले हो, और जिसकी परमीबिलिटी बहुत कम हो उस सॉइल के लिए हमें फॉलिंग हेड मेथड यूज़ किया जाता है। और फॉलिंग हेड मेथड हम वहाँ भी यूज़ करते हैं जहाँ पर हमारी सॉइल केसिंग को ईजिली स्टैंड कर सकती है। और फॉलिंग हेड मेथड में हमें ये भी इंश्योर करना चाहिए कि जो हम टेस्ट परफॉर्म कर रहे हैं, अगर वाटर लेवल, वैसे तो हम वाटर लेवल के ऊपर और नीचे दोनों ही डेप्थ पर परफॉर्म कर सकते हैं, लेकिन वाटर लेवल के नीचे अगर डेप्थ पर हम इस टेस्ट को परफॉर्म करते हैं तो वो ज़्यादा एक्यूरेट माना जाता है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करके ज़रूर बताएँ।